जिस्मानी रिश्तों की इस कहानी ने सआदत हसन मंटो को अदालत की चौखट तक पहुंचा दिया था। बू, आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी का सबटाइटल ऑन कर लीजिए। बरसात के दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते नहा रहे थे। सागवान के स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास थोड़ा खिसका दिया गया था, एक घाटन लड़की रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के पत्ते रात के दुधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे, और शाम के समय जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। फिर हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया। वो कई दिनों की तन्हाई से उकता गया था। विश्व युद्ध के चलते मुंबई की लगभग तमाम ईसाई लड़कियां, जो अमूमन सस्ते दामों में मिल जाया करती थीं, वैसी अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थीं। कईयों ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे। वहां सिर्फ फौजी गोरों को ही जाने की इजाजत थी। रणधीर बेहद उदास हो गया था। उसकी उदासी का कारण था कि क्रिश्चियन लड़कियां दुर्लभ हो गई थीं। दूसरा कारण ये कि फौजी गोरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत होने के बावजूद रणधीर के लिए फोर्ट के लगभग तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी रिश्ते कायम कर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वो उन क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले क्रिश्चियन लड़कियों के बारे में कहीं ज्यादा जानकारियां रखता था, जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस करती थीं और बाद में उन्हीं में से किसी बेवकूफ से शादी कर लेती थीं। रणधीर ने जब उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला भी लेगा। वो तो उसके यहां आने के थोड़ी देर बाद उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये शंका मन में उठी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बिचारी को निमोनिया हो जाए। सो रणधीर ने उसे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब कुछ और समझ गई। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए। फिर भी जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, एक तरफ रख दिया और अपनी रानों पर जल्दी से धोती डाल ली। फिर उसने अपनी भींची भींची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गड्ढे में छिप गई थी। कुछ देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार के बैठ गई तो उसने मराठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरे दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर का झटका दिया कि गांठ सरसराती सी फैल गई और इसी के साथ दो धड़कती हुई छातियां एकाएक उजागर हो गईं। उसकी भरी भरी सेहतमंद उरोजों में वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथ से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की उन कुंवारी और जवान औरत की उरोजों ने एक अजीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे, जो तालाब के गंदेले पानी पर जलने का आभास दे रहे थे। बरसात के दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते कंपकंपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी से सराबोर हो चुके थे, एक गंदे ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वो नंगी लड़की रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। उन्होंने मुश्किल से एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसके गर्म उरोजों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उन हवाई झोंकों से उस घाटन लड़की के बदन में भी
एक ऐसी सरसराहट पैदा होती थी कि खुद रणधीर कांप उठता था। इस कपकपाहट से रणधीर का पहले सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो वासना से भरी हुई लड़की के मजे भी बखूबी जानता था। वो ऐसी अलहड़ लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो उसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती जो किसी गैर कानों के लिए नहीं होती थी। वो उन कमीनी लड़कियों से भी जिस्मानी रिश्ता कायम कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसे कई सामाजिक रूप से बच्चलन लड़की और बच्चलन औरत का भी अनुभव था जिसे वो बहुत ही रूहानी मानता था, लेकिन ये घाटन लड़की बिल्कुल भिन्न किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को, जो एक ही समय में खुशबू थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसकी चमड़ी से, उसके जवान जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे शरीर में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा कि यह लड़की बिल्कुल करीब होकर भी इतनी करीब हरगिज नहीं होती अगर उसके जिस्म से ये बू न आती। ये बू उसके मन मस्तिष्क की हर सलवट में रेंग रही थी। उस बू ने उस घाटन लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे के साथ एकाकार कर दिया। दोनों एक दूसरे में समा गए थे, उन अनंत गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसान की संतुष्टि से सराबोर होता है। ऐसी संतुष्टि जो क्षणिक होने पर भी अनंत थी, लगातार बदलती होने पर भी दृढ़ और स्थायी थी। उस बू को, जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो उसका विश्लेषण नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लैवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की तरह असली और पवित्र। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों में पाउडर छिड़कता या ऐसी दवा का इस्तेमाल करता जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन ताज्जुब था कि उसने कई बार उस लड़की की बालों भरी बगलों का चुम्मा लिया और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि एक अजीब किस्म की तुष्टि का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, उसके अर्थ भी पहचानता है, लेकिन किसी को समझा नहीं सकता। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कंपन के उस पार बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था जहां गठीले बादलों में अजीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घाटन लड़की में उसे नजर आई थी। उस रोज रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की जिसका जस्म दूध और घी में गुथे आटे की तरह मुलायम था, उरोजों में मक्खन सी नजाकत थी, लेटी थी। नींद में डूबी जवान लड़की के नंगे बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ती और जुनून की हद तक पहुंची हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास जैसे बदहजमी में होता है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी लड़की को देखा जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह इस लड़की के दुधिया जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे और हिना की उटपटांग खुशबू। दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में वो बू बसी हुई थी जो घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के स्वयं निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें जबरदस्ती सूंघने की कोशिश शामिल नहीं थी, वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। लड़की की छातियां दूध की तरह सफेद थीं, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुड़े हुए थे जिसकी वजह से वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। अमूमन किताबों
और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जैसी हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के नंगे जवान जिस्म पर भी कई निशान। जब रणधीर ने उसके तंग और चुस्त अगिया की डोरियां खोली थीं, तो उसके पीठ और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त की झुर्रियां दिखाई दी थीं और कमर के चारों तरफ बांधे हुए इजार बंद का निशान भी था। वजनी और नुकीले नेकलेस से उसके सीने में कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजलाया गया हो। बरसात के यही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी, उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ देर तक उस गोरी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद स्तनों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उसकी अंगुलियों ने उस गोरे बदन में कई चिंगारियां महसूस की। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटे हुए कंपन का भी उसे पता चला। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े तारों की भी आवाज सुनी, मगर वो आवाज कहां थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दुधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कंपकपी महसूस नहीं हुई। उसकी नई नवेली दुल्हन, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, अपने कॉलेज के सैकड़ों दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी चेतना को छू न सकी। वह हिना की खुशबू में उस बू को तलाश रहा था जो इन्हीं दिनों, जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रूबरू होइए मंटो के कुछ ऐसे ही संजीदा अफसानों से।